प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना हुए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम ने मंदिरों पर हुए हमले का भी उठाया मुद्दा। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नई संसद भवन का उद्घाटन। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा स्पीकर के आसन के पास सेंगोल स्थापित किया जाएगा। सेंगोल का हमारे इतिहास में अहम योगदान है, अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है सेंगोल। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी 60,000 श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। 6 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। नए संसद भवन के उद्घाटन का कई पार्टियों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बायकॉट किया। टीएमसी, आप, आरजेडी, एसपी करेगी बहिष्कार। वहीं लेफ्ट पार्टियों के साथ शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी भी करेगी बहिष्कार। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि नई संसद पर सरकार ने सभी विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनता है। ओवैसी ने किया नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार। विपक्ष पर लगाया बड़ा आरोप। विपक्षी दल मुझे और मेरे दल को अछूत समझते हैं। विपक्षी दलों ने मुझसे संपर्क नहीं किया। स्पीकर को संसद का उद्घाटन करना चाहिए। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में ताबड़तोड़ रेड। ईडी ने 5 में से 6 जगहों पर छापेमारी की। सांसद संजय सिंह का दावा, मेरे करीबियों पर हो रही है कार्रवाई। ईडी की फर्जी जांच को उजागर करूंगा, चाहे जो हो जाए मैं ना झुकूंगा ना रुकूंगा। अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा केंद्र ने अध्यादेश के जरिए हमारे अधिकार छीने, जनतंत्र में चुनी सरकार के पास अधिकार होने चाहिए। हमारे नेताओं को खरीदने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया। 2019 हेट स्पीच केस में आजम खान भरी। 27 अक्टूबर 2022 को आजम को सजा हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। 3 साल की सजा के बाद गई थी आजम की विधानसभा सदस्यता। दिल्ली की प्रगति मैदान में टनल बनी जानलेवा। नेटवर्क नहीं चलने की वजह से 19 साल के घायल लड़के की मदद नहीं हो पाई। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रुका। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हाईवे पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे। वाहनों की लंबी कतारें लगी। मौसम विभाग ने पहले ही जम्मू कश्मीर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। उत्तराखंड में बारिश और आंधी की वजह से बड़ा हादसा हुआ। हरिद्वार के ज्वालपुर में तेज आंधी से 200 साल पुराना पेड़ गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोविड को हेल्थ इमरजेंसी से हटाने के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक नई खतरनाक बीमारी को लेकर आगाह किया। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोविड के बाद एक और वायरस जनित बीमारी आने का खतरा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दुनिया को एक ऐसे वायरस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कोविड से ज्यादा घातक हो सकता है। आईपीएल फाइनल के लिए दूसरी टीम का फैसला आज हो जाएगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने आज से 27 मई तक हवाओं के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और बिजली और ओले गिरने की भी आशंका है। आरबीआई का सर्कुलर आने के बाद 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया जारी है। कल पहले दिन पूरे बिहार के बैंक में 188 करोड़ रुपए, जबकि सिर्फ पटना में 88 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट जमा और एक्सचेंज करवाए गए।